जन्मवेदी सरला नौ दिन यात्रा रत्नवेदी अभिमुखे गले चतुर्धा विग्रह रथजात्रा भली बाहुड़ा रे नीतिकांति होई सहल सहल पहंडी सहित सहल हो रथटणा चारिटा पूर्व सिंहद्वार सम्मुखें तालध्वज रथ लगी बेले साढ़े चारिटा लगी दर्पदलन रथ तेब प्राय सतटा बेले श्रीनगर पाखे लक्ष्मी नारायण भेट हो नंदीघोष रथ गढ़ी सिंहद्वार अभिमुखे एवं तीन रथ सिंहद्वार आगे होती दंडामान आसंता काली सुनावेश अपराह दुईटू रथ उपर श्रीजीव आभूषण लगे राति बारटा जाए सुनावेश चलो प्रशासन निष्पत्ति बाहुड़ापाई गुंडीचा मंदिर में नीतिकांति सका प्राय साढ़े आठटा बेलू आरंभ होता पहंडी प्रथम रथ को विजे करते प्रभु श्री सुदर्शन तापर प्रभु श्री बलभद्रंकर पहंडी कर रथरे विजे करते बड़ भाई यापर देवी सुभद्रा आसी पहंडी शेषे कालिया सांतंकर होता पहंडी विजे रथ उपर बेश बढ़ा पर दिन साढ़े बारटे आरंभ होता छेरा पहरा अपराह्न गोटाए कोड़े बेलू फिटा जाता चारमाड़ जोचा जाता घोड़ा अपराह्न गोटाए 40 मिनिट्रे आरंभ होता रथटणा महाप्रभुर आशीर्वाद रे हमरा तीनों रथ डेस्टिनेशन रे पहुंची जाई चंती हमरा बहुड़ा यात्रा शांति श्रृंखला रे संपन्न हो छी और सबु महाप्रभुर आशीर्वाद रे हेई छी बहुत भारी मात्रा रे भक्त आसिले एबे भी चंती मु बहुत बहुत धन्यवाद देउ छी पुरी वासीरा जो भक्त चंती तांकर जो बाहर आसंती तांकर हमरा पुलिस पूरी पुलिस साइड रू प्रशासन साइड रू सेवायत साइड रू अपन माने समय साइड रू हमें समस्त रा बहुत बहुत धन्यवाद देउ छी या पूर्वपुर मु कहितली इतिहास रो शहे वर्ष रेकर्ड भांगी जो थे कि गोटे चैलेंज था जगन्नाथ महाप्रभु को नीति रीति आ ठीक समय रे सब कम हो पार से गोटे चैलेंज था दैतवत निजोर जोटा कि आज से समापन है काली महाप्रभुकर सुनावेश हम दुईटा सुधा सुनावेश करने योजना कर बाहुड़ापाई बड़दाण्ड पाल्टी जनसमुद्र कालिया ठाकुर फेरंता यात्रा को देखापी पुरी को छुट्टी भक्तों सुअ भक्तों भिड़ में उछुड़ी श्रीक्षेत्र आउ शरधा बाली रे देखापी मिली भक्तों भिन्न बेश भिन्न रूप एवं रंग श्रीक्षेत्र चली महाप्रभु श्रीजगन्नाथ नवदिनात्मक यात्रा भक्त गहली सांग को जय जगन्नाथ ध्वनि रे कंपुची शंख क्षेत्र गगन पवन बाहुड़ा पाई उछली उठी शरधा बाली रथ उपर बड़ ठाकुर को आखि पुरे देखा कहीं केते दूर छुट्टी आसी भक्त शरधा बाली रे अरपी देते भक्ति नैवेद्य किए होता हनुमान अवेश तो किए नहीं भोला बाबा रूप श्रीजगन्नाथ आदेश रे समस्त निजको समर्पी देते प्राणप्रिय ठाकुर पाखरे सेमिति बड़ ठाकुर बड़ धूप अर्पण करते भक्त पटनायकिया टिकी बाबा मठरू अणा जा 10 फुट उच्चर धूपकाठी जहाँ चारि दिग को महकई माँ समलेश्वरी मत आदेश देले जगन्नाथ राम अवतार हम तेणु प्रभु सेवार मत आदेश भक्त रूप से मु निजक जीवन को धन्य मन रथ यात्रा रे बाहुड़ा रथ यात्रा रे आसिकी मोर जीवन धन्य होगा मन अनेक जन्म तप बोले मनुष्य समस्त हृदय प्राणकेंद्र बड़ ठाकुर महाप्रभु प्रत्येक जिनस आज्ञा बड़ बड़ रथ बड़ दांड बड़ सेवक बड़ भोग आज्ञा बड़ धूपकाठी ये धूपकाठी आज्ञा 10 फुट धूपकाठी रथ को आसुले श्रीजीव गोटे पटे चली पहंडी घंट घंटे निनादित होता शरधा बाली एपटे रथ आगरे नृत्य नृत्य भक्तिर प्रणति ढालुले भक्त रथ उपर को पाछटी नेवाई मिलाई नृत्यर पसरा अधीर होता पाद मनरु आत्मा जमी एकाकार हो जाता प्रभु जगन्नाथ पाखरे समर कलार झलक भी देखा मिलता रथ पाखरे कालिया सांत उद्देश्य भक्ति रे भिन्न अर्घ्य अर्पण करते आखड़ा घर युवक मैंने महाप्रभु नृत्यशिल्पी टे भाव हुए तो द्वापर युगर से प्रभु निश्चित षोल सहस्र गोपांगना हुए केवर सुजोग मिलती पारु प्रभु आज अपूर्व सुजोग बहुत बहुत आनंद लगे से निजे आसुचंती
आड़प मंडपुर आसी नंदीघोष पहुंचे समस्त को देखिए भक्त आसवे जात्रा आगू चलो नृत्य आम समस्त भाव नैवेद्य अर्पण कर जन्मवेदीर मुह तुटाई रत्नवेदी अभिमुखे पलाइले चतुर्ध विग्रह प्रभु स्पर्श पाई श्रद्धा बाली पुणी रहीगला वर्षकर अपेक्षार अने भी रहिला गुंडीचा घर मिलानीर ए बेलारे महाप्रभु अलौकिक जात्रारु जमिति पलक हटाई पारु नथिले लक्ष लक्ष भक्त श्रद्धा बालीरु सिंहद्वार प्रतिटी रेणुरे जमिति लेसी होई जाइथिला कालियार करुणा पुरीरु कैमरामैन आशीष दास और अमरेन्द्र मिश्रा सह दीपक सामल और अक्षय कुमार मिश्र न्यूज 18 ओडिया। नवदिनात्मक यात्रा परे केन्दुझर रे शेष होई प्रभुंकर बाहुरा यात्रा विश्वर सर्वोच्च नंदीघोष रथरे बसी चतुर्धामूर्ति मंदिर को बाहुरी छंती तुहाकु तुहा वर्षा लागी रही थिले सुधा भक्तों भिड़ कम होई नथिला विभिन्न अनुष्ठान पक्षरु श्रद्धालुंकु मागणारे अन्न प्रसाद बंटन करा जायथिला प्रशासन पक्षरु बाहुरा यात्रा संपर्क में टिकिनिकी धारा विवरणी प्रदान व्यवस्था मध्य होइथिला अपराह्नरे गुंडीचा मंदिरु श्रीजीवंकु धाड़ी पहुंडी अणा जायथिला घंट घंटा शब्द से प्रकम्पित हो उठिथिला परिवेश बाहुरा यात्रा शेष होइथिबा बेले आसंता काली अनुष्ठित हेब प्रभुंक सुनावेश एथिपई अधिक भक्तंकर समागम हेबा आशा करा जायछि। आज बाहुड़ार पवित्र अवसर में भी इलेवेन बुलेट क्लब जो अरेंजमेंट कर प्रसाद सेवन रोक से विशेष विशेष धन्यवाद आशा करूँ कि आगे भी ये प्रकार कार्यक्रम से किंतु आज ये यात्रा शेष होगा जाऊँगी प्रभुंकर श्रीगुंडीचा यात्रार ये हूँ शेष दिन नवदिनात्मक यात्रार ये शेष दिन तेणु श्री श्रीजीव मान दर्शन करने भक्त मैंने आज के आकुल नयन में चाहते केते बड़े प्रभु को से दर्शन करेंगे सुविधा भाव में लॉन मेंटेन हम से पांच प्लाटून कोर्ट एवं बारह जन इन्स्पेक्टर चार जन डीएससी जो एडीसी एएसआई कूड़े एमती पांच छः ये सब भगवान की लीला है हम तो एक छोटा सा जरिया है बाकी इतनी भीड़ भगवान को देखने के लिए आज सब लोग धर्म कोई जात पात नहीं मानता मेरे को बहुत खुशी है कि आज हम धर्म के काम से भगवान के चरणों में अपने सारे अवगुण समर्पित करते हैं। सबरे सुवर्णपुर जिले में मध्य बाहुड़ी पाताली श्रीक्षेत्र महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ नवदिनात्मक लीलाखेला सारी मंदिर को प्रत्यावर्तन कर जगन्नाथ एथिपाई लगिता भक्तों भिड़ घंट बाद्य हरिबोल हुड़हुड़ीर ताले ताले दुलुकी उठुला महाप्रभु मौसी माँ मंदिर पीठ पाताली श्रीक्षेत्र में महाप्रभु दर्शन पर पश्चिम ओडिशा समेत राज्यर हजार हजार भक्तों समागम होता दुई वर्ष पर बाहुड़ा यात्रा महाप्रभु अपूर्व रूप को दर्शन कर भक्त और श्रद्धालु होते एकाकी सेपटे ढेंकानाल रे महा आडंबर सहकारे पालित हो जाइछि बाहुड़ा यात्रा श्री गुंडीचा मंदिर भाई भौणी को साथी नहीं फेरी महाप्रभु बाहुड़ा यात्रा अवसर में जिलापाल सरोज कुमार सेठी उपजिलापाल स्निग्धाराणी धड़ एवं ढेंकानाल सदर विधायक सुधीर कुमार सामल प्रमुख भक्तों सहित मिसी रथ टाणी प्रतिकूल पाग सत्वे बाहुड़े हजार हजार भक्तों समागम होता जय जगन्नाथ ध्वनि प्रकम्पित होता ढेंकानाल सहर आसंता काली सुनावेश रथयात्रा बाहुड़ा भली एथर सुनावेश प्रबल भक्तों समागम होगा आशा रही नजर रखी करा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था मोट 80 प्लाटून फोर्स मुतयन करा सहित मार्केट छकरु ब्यारिकेड दे भक्त माने सुनावेश दर्शन करेंगे सुनावेश नीतिकांति सरल कर दिन दुईटू आभूषण लागू समय निर्घंट कर भक्त मानी सुनावेश दर्शन राति प्राय 12 पर्यंत रखा निष्पत्ति सुनावेश को नहीं सेवायत माने व्यवस्थावली अनुपालन कर महाप्रभु सम्मुखें कहीं अवरोध करे ना जगन्नाथों बाड़ग्राही बाकी के डिपार्टमेंट्स का भी मैं देखता हूँ कि उन लोगों ने बहुत मेहनत के साथ बहुत अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है सभी के साथ में बहुत बड़ी संख्या में चूंकि भक्त आए भी हैं और हमें आशा है कि सुनावेश जो कल होने जा रहा है उसके अंदर भी इतनी संख्या में भक्त आएंगे जैसा कि नव कलेवर के समय आते हैं तो उसी के अनुसार हमने फोर्स को कैलकुलेट किया है और उसी के अनुसार हमने फोर्स को डेप्यूट किया है जो संबंधित भाई बसिब
जमी श्रद्धा भक्त कोटि कोटी लोक देखो बाहर टीवी माध्यम चिया लाभ कौन जाए दर्शन रात बारा बारटा दिन चार रात बारा। ब्रेक पर स्वागत। अमरनाथ यात्रा बादल फटा वर्षा अघटन में फसी अनेक यात्री से भितर अच्छा रायगड़ार पांच जन यात्री वर्षा जल हठात गुंफा पार्श्वर माड़ आसवा पर अस्थायी टेंट सहित समस्त सामग्री भासी जाता सौभाग्यवशत पांच जन जीवन बंची जाता कहते रायगड़ार बसंत सेनापति बसंत सहित फसी अन्य श्रद्धालु मैंने सौम्यरंजन पात्र निहार रंजन पात्र के रवि कुमार और टुकुना प्रधान एमाने समस्ते जुलाई एक तारीख में रायगड़ू अमरनाथ अभिमुखे यात्रा आरंभ करते छह तारीख में दर्शन पर तारीख धार्य होता किंतु भिड़ जो सात तारीख में दर्शन पर अनुमति मिली सात तारीख यात्रा आरंभ कर आठ तारीख संध्या पांचटा समस्त श्रद्धा अमरनाथों दर्शन सारी दर्शन सारी अस्थायी कैंप को आसवा क्षणी आरंभ होता वर्षा प्रबल अति प्रबल वर्षा जो पहाड़ हठात पाणी माड़ी आसी गुंफा निकटने शह शह अस्थायी टेंट सहित बहु श्रद्धा को भसाई नहीं अतला खसवा कारण किसी श्रद्धालु माटी तले फसी रही थे सतर्कतार सहित रायगड़ार पांच श्रद्धालु अस्थायी कैंप्रु चली चली आसी राति तीन टे पंचतरणी पहुंची सेठे विश्राम पर सका पुणी चलवा आरंभ कर 18,000 फुट उच्चे बालताल अभिमुखे जात्रा करिसंती बालताल पहुंचा पर जम्मू अभिमुखे जात्रा करे बसंत सेनापति कहते से उद्धार करने राज्य सरकार उद्देश्य जारी करीडियो बार्ता सहायता जम्मू काश्मीर प्रशासन पक्षर जारी कर हेल्पलाइन नंबर कहीं उठाऊ नाखे जहाँ कि टंका थिला सरी जा रास्तार दोकानी फोनपे कि गुगुल पे पेमेंट ने तेणु राज्य सरकार को फसी यात्री को उद्धार करने नवेदन कर आम सर रायगढ़ आसलु पाँच जन अमरनाथ यात्रा करने कल आम दर्शन साढ़े पांचटे सारिक आम आम टेन्ट को आसला बेलू से आजा बना आम टेन्ट फैंट सब आसगला आम बहुत कष्ट आम जो प्राण बंची रात तीन टा बेलू पंचतरणी जेमसन को आम से पहुँचल पहुँचला बहुत असुविधा अतिजा है कि प्राण बचीगला बोलिक आम भाग्यवान मन कलु से पे सीआरपी वाला कहवा क्रमे आम बालताल बर्तन अभिमुखे जाऊ दीर्घ 17 किलोमीटर अच्छी बालताल पहुँचला आमको कौन सी प्रकार जम्मू जीवाप जम्मू में सब रखी दे लगेज और जम्मू जीवाप कौन सी सरकारी सहायता मिलता आम ब्रह्मपुर सरकारी शिल्प तालीम अनुष्ठान छात्र छात्री माने लोकों को सेवा जोगाई देवा सहित निजर दक्षता वृद्धि करने अभिनव प्रयास आरंभ करिछंती अनुष्ठान इलेक्ट्रीशियन वेल्डर और फिटर विभाग छात्र छात्री माने एमकेसीजी मेडिकल विभिन्न विभाग में अचल होता विभिन्न इलेक्ट्रिक सामग्री सहित स्ट्रेचर ट्राइसाइकल निःशुल्क मरामती करिछंती प्रथम दिन में मेडिकल काजुआलिटी विभाग में अचल होता विभिन्न सामग्री मरामती कर 20 जन छात्र छात्री एभली प्रयास को मेडिकल पक्षर स्वागत करा बेले यहाद्वारा छात्र छात्री दक्षता वृद्धि हो पार ब्रह्मपुर सरकारी शिल्प तालीम अनुष्ठान छात्र छात्री माने आरंभ करिछंती एक अभिनव प्रयास ब्रह्मपुर सहर रे थिबा दक्षिण ओडिसा रो एकमात्र रेफरल मेडिकल ले दैनिक व्यवहार होउतबा विद्युतकरण ओ अन्य सामग्री गुडी को अचल होई पडुची यार समाधान पई अंटा भिडिछंती ब्रह्मपुर शिल्प तालीम अनुष्ठान रो छात्र छात्री मेडिकल लो काजुअलिटी रे खराब होई पडिथिबा विभिन्न विद्युत सामग्री रो मरामती करिछंती 20 जन छात्र छात्री पूर्वरु आईटीआई रे ही प्रैक्टिकल शिक्षा दिया जाउतला वर्तमान मेडिकल को आसी विभिन्न सामग्री रो मरामती करबा द्वारा फील्ड रे होतबा विभिन्न विद्युत और यांत्रिक समस्या रो की भली समाधान होई परिबो से नै अनेक शिक्षा मिलतुवा कहिसंती छात्र छात्री को दिन से भांगी थी लागी कौन हेतिला हेडा तांके व्यवहार करि पार नथिले सेडा रे तांकर डेली नीड टा पूरा हला आमे सेथरे विभिन्न प्रकार ट्रेड के वेल्डर फिटर आउ इलेक्ट्रिशियन भी शामिल हेतिलु आउ से सब दिन से को ठीक करथिलु फैन खराब थिला रिपेयर करलु
ତା ସହିତ କେତେଟା ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁନଥିଲା ସେଇଟାକୁ ବି ପୁଣି ରିପେୟାର କଲୁ। ଏସି ଏମିତି କେତେଟା ରୁମ୍ ସପ୍ଲାଏ ଯାଉନଥିଲା ସେଇଟାକୁ ବି ରିପେୟାର କଲୁ। ଯେଉଁଟା କଲେଜରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଥିଲୁ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିକି କେବେ କରୁନଥିଲୁ, ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲର କାଜୁଆଲିଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କେଉଁଠାରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ନେଇ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହାପରେ କାଜୁଆଲିଟିର ବିଭିନ୍ନ ରୁମ୍ ବୋଲି ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଷ୍ଟ୍ରେଚର, ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ଏସି ଓ ଫ୍ୟାନ୍ ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଟିଆଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଷ୍ଟ୍ରେଚର, ବେଡ୍, ଲାଇଟ୍, ଫ୍ୟାନ୍ ଯାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ରିପେୟାରିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ କରିପାରୁଛୁ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ଆମର ଆଇଟିଆଇ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆସିବି ପିଲାମାନେ କାମ କରିବାକୁ। ପେସେଣ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ରେ ଯାଉଛି, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ର କେଉଁ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରିପେୟାର କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଯାଉଛି ମିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ରିପେୟାର କରିପାରିବା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କଲେ, ରିଏଲ୍ ବାତାବରଣରେ କାମ କଲେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଲାଭ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ଜନିତ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇ ଏଭଳି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଆଇଟିଆଇ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାଶ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷରୁ କଟକରେ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଯୁବଛାତ୍ର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିରରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ, ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରୁ 25,000 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା'ର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କଟକଠାରେ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଗକୁ ଡିସେମ୍ବର 20 ଭିତରେ ଆମେ ବିଜୁ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ 25,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ରକ୍ତ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକ ତୁଳସୀପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମେଧାବୀ ଅଭିନନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଥିବା 29 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସରସ୍ୱତୀ କାନୁନଗୋ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆଗକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ତ ଏ ବର୍ଷ 128 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ A1 ପାଇଥିଲା 29 ଜଣ। ସେଇ 29 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଇଏ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କଲା ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ଦରକାର। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ସ୍କୁଲର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆଉ ବାପା ମାଆ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏହିସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା।